नमस्कार, रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। आज सीबीआई के सवालों से मनीष सिसोदिया का होगा सामना, तो साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ आज किसान सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर अलग अलग देशों में तैनात राजदूतों से मुलाकात भी करेंगे। तो इसी के साथ ही झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मियां भी तेज हो गई है। तो वोटिंग रांची के कांग्रेस भवन में होनी है, तो इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। तो झारखंड में 319 डेलीगेट्स अपना वोट डालेंगे, तो इस पर भी आज हम नजर रखेंगे। तो इन्हीं पर तमाम बड़ी खबरों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी आपको हर खबर का अपडेट देंगे। तो बात होगी रिपोर्टर लाइव की, तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअली माध्यम से किसान सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में दिल्ली में किसान सम्मान निधि की नई किश्तों को जारी कर देंगे। तो इसके अलावा मुख्यमंत्री आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर अलग अलग देशों में तैनात राजदूतों से मुलाकात भी करने वाले हैं। तो हमारे संवाददाता भी इस खबर पर आपको ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में किसान सम्मान निधि की नई किस्त जारी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में वर्चुअली प्रधानमंत्री के साथ जुड़ जाएंगे। यह कार्यक्रम दिन में 11 बजे शुरू होगा। प्रधानमंत्री इसके पहले भी किस्तें जारी करते रहे हैं और मुख्यमंत्री अक्सर जब उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम था तो उससे जुड़ते रहे। इसके अलावा वर्चुअली भी प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री कार्यक्रमों में जुड़ते रहे हैं। आज एक बेहद अहम कार्यक्रम मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री आवास पर शाम 7 बजे है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम देशों में तैनात जो राजदूत हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इसके पहले रविवार की शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश भर में जिलों में तैनात तमाम पुलिस अधिकारी और तमाम जो सीपी हैं उनकी एक बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई और इसमें तमाम डीएम और जो ग्राम विकास और पंचायत विभागों से जुड़े और स्वास्थ्य विभागों से जुड़े आला अधिकारी जिलों में तैनात हैं उन सबकी एक बैठक भी हुई थी। और मुख्यमंत्री ने त्योहारों के मद्देनज़र उन्हें स्पेशली ये कहा है कि जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ सख्ती से कोई कोताही न बरती जाए। अखंड तपशाही इंडिया वॉइस। तो वहीं झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। तो वोटिंग रांची के कांग्रेस भवन में होनी है, तो इसकी पूरी तैयारियां भी कर ली गई है। तो झारखंड में 319 डेलीगेट्स अपना वोट डालने वाले हैं, तो इस पर आज सभी की नजर बनी हुई है। तो हमारे संवाददाता भी इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। झारखंड के संदर्भ में अगर बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज का दिन भी काफी अहम माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से बातचीत की जाए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और ऐसे में रांची में भी वोटिंग होनी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहीं ना कहीं इस बारे को लेकर पूरी तैयारी कर चुके हैं। कांग्रेस भवन में इसको लेकर तैयारी जिस तरीके से की गई है उस पर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत कर रही है। हालांकि यहाँ भी कहा जा सकता है कि दो प्रत्याशी जिस तरीके से हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर, दोनों के पक्ष और विपक्ष में लोग दिखाई पड़ रहे हैं और दोनों की तरफ से कैंपेनिंग भी जारी है। अब देखना है कि देर शाम तक क्या कुछ परिणाम आता है और राज्य के लोगों को किस तरीके से इस बारे में सोचने की बात की जा सकती है। दूसरी खबर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कई बड़ा मामला चल रहे हैं सामने और ईडी की तरफ से जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उसमें अमित अग्रवाल जो कोलकाता के कारोबारी हैं उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा ईडी का कसा हुआ है और इसके बाद से अब जाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है कि आखिर उन्हें किस तरीके से कहीं ना कहीं कस्टडी में लिया गया है और इसको लेकर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई होनी है। इसके बाद से पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ चल रहा है और ईडी की टीम आगे किस तरीके से कार्रवाई कर पाएगी। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस रांची। वही रायपुर में आरक्षण की पुनर्बहाली की मांग को लेकर बीजेपी नेताओं ने राजभवन तक पैदल मार्च निकाला, तो वहीं प्रेस वार्ता कर प्रदेश कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। छत्तीसगढ़ में भाजपा पूरे चुनावी मूड में आ चुकी है। आपको बता दें, कांग्रेस को भाजपा एक भी मौका देना नहीं चाहती। भाजपा ने पैदल मार्च निकालकर
आरक्षण को लेकर राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपी। उन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस पर कि आदिवासियों को 32% आरक्षण नहीं दे रही है कांग्रेस सरकार, जबकि वहीं कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है कि ये जो हथकंडा भाजपा अपना रही है ये सारा खेल भाजपा खुद खेली हुई है। इसी कड़ी में भाजपा ने एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस को निशाने पे लेते हुए भाजपा ने ताबड़तोड़ आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है, जिसे लेकर प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप सीधा सीधा आरोप लगाया कि अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार में अधिकारी लिप्त हो चुके हैं, जिसे लेकर भाजपा कांग्रेस को कटघरे में खड़ी कर रही है। मनोज शुक्ला, इंडिया वाइस रायपुर। वहीं बिहार के बाद जेडीयू पार्टी अब झारखंड में भी अपनी जमीन मजबूत करने की तैयारियों में जुट गई है। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने रांची में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और यहां अपनी राजनीति मजबूत करने का संकेत भी दिया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार। बिहार में सरकार चला रही पार्टी जेडीयू अब झारखंड में भी अपना पांव पसारने की कोशिश कर रही है और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके का माहौल राज्य का है उसमें कई चीज़ों को लेकर एक साथ जोड़ने की बात कही जा रही है। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कुछ कार्यकर्ता है यहाँ पे ये जमा हुए हैं आज रांची में, और खास करके रांची में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है और कहीं ना कहीं जेडीयू की तरफ से कोशिश की जा रही है कि राज्य में जो हालात है उसको किस तरीके से एक बार राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ाया जा सके। और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यहाँ पहुँचे हुए हैं और उसके बाद से कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरीके का माहौल होगा राजनीतिक, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से चुनाव की भी तैयारी करने की बात कही जा रही है और साथ साथ ये भी देखने की बात कही जा रही है कि आने वाले में संगठन किस तरीके से काम कर पाएगा, क्योंकि राज्य में जिस तरीके से जेडीयू की बात की जाए तो बड़ा संगठन तो फिलहाल नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन जब राज्य गठन किया गया था तब 7 सीटें यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टी की थी और कहीं ना कहीं सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका भी रही थी। तो आज के दिन की बात की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से जेडीयू अपने पांव को यहाँ पे बेहतर ढंग से जमाने की पहल कर सकता है। पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस रांची। वही उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में डिडोली कोतवाली क्षेत्र में AIMIM पार्टी पदाधिकारियों में बातचीत के दौरान हुई कहासुनी में पूर्व जिलाध्यक्ष ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से जानलेवा हमला कर दिया। तो 3 राउंड की फायरिंग की गई थी तो मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। तो AIMIM पार्टी की मीटिंग में ये गोलियां चलाई गई थी। तो इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में AIMIM पार्टी की मीटिंग में फायरिंग हुई है, जहां पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से 3 राउंड फायर किया गया है। मामला अमरोहा के डिडोली कोतवाली क्षेत्र के गांव हटौआ का है, जहां पर पार्टी के प्रदेश महासचिव समीम अहमद के आवास पर पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग चल रही थी, जहां पर गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी व साहिबाबाद के विधानसभा अध्यक्ष भी यहां पर पहुंचे हुए थे, जहां पर अमरोहा के पूर्व जिलाध्यक्ष परवेज पासा का गाजियाबाद की लोनी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी से पार्टी पद को लेकर कोई विवाद चल रहा था, जिसके चलते वहां पर उनमें बातचीत चल रही थी। बातचीत के दौरान उनमें कहासुनी हुई, कहासुनी के चलते पूर्व जिलाध्यक्ष परवेज पासा ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से 3 राउंड फायर कर दिया, जिसमें एक युवक के हाथ में गोली लगने से चोट आई है, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद इसमें संज्ञान लेते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष पर जान से मारने की नीयत से फायर करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो वहीं बुलंदशहर में दो चचेरे भाइयों के सर काटकर हत्या करने वाला 25,000 के नामी दिल्ली पुलिस का सिपाही गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। प्रदेश के बुलंदशहर में सलेमपुर थाना क्षेत्र में हुई 2 चचेरे भाइयों की सिर काटकर हत्या मामले में पुलिस ने आज 25,000 के इनामी दिल्ली पुलिस के सिपाही को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दूं, बुलंदशहर के थाना सलेमपुर क्षेत्र में हाल ही पिछले दिनों में 2 चचेरे भाई मेला देखने गए थे, उसी दौरान वे गायब हो गए और उनका गंगा पार सर से अलग धड़ धड़ मिला था, जिसके बाद पुलिस ने जांच की। जांच में पता लगा कि गांव के रहने वाले एक व्यक्ति की मां से दोनों के अवैध संबंध थे, जिसके चलते दोनों भाइयों की सर काट कर हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने सब संबल जिले से बरामद किए थे। फिलहाल पुलिस ने पहले ही 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है
और पुलिस चौथे आरोपी की तलाश में जुटी थी, जिसके बाद आज पुलिस ने चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। SSP श्लोक कुमार द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो दिल्ली पुलिस का सिपाही है, और 25,000 रुपये का इस पर इनाम घोषित किया गया था। हत्या की वजह अवैध संबंध बताए थे, जिसके चलते उस दोनों चचेरे भाइयों की सर काट कर हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपी को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई करते हुए पुलिस जेल भेजने में जुटी है। तो वहीं दीपावली छठ भैया दूज पर्व को लेकर बाजार में मिलावटी खाद्य सामग्री सहित अन्य चीजों की बेरोक टोक बिक्री जारी है, तो असली नकली सामग्री एक जैसे दिखने में आम जनता को अब परेशानी हो रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दयानंद तिवारी। दीपावली छठ और भैया दूज पर्व को लेकर रोहतास जिला में सासाराम में जो है धीरे धीरे जो दुकान है सजने लगी है। अभी हम रोहतास जिला के हॉट बाजार जो कहा जाता है वह धर्मशाला चौक पर है। यहाँ पर जो है अब धीरे धीरे जो रोहतास जिला में है धीरे धीरे जो है मिलावटी जो सामग्री है उसकी भी बिक्री जारी है। पिछले दिनों रोहतास जिला के कई गांवों में जो है मिलावटी सामग्री बिक्री के कारण जो है फूड प्वाइजनिंग के लोग शिकार भी हुए हैं। हालांकि इसमें अब तक जो है दोषियों तक प्रशासन का हाथ नहीं पहुंचा है। लोगों ने बताया कि जो है यहाँ पर फूड की जो इंस्पेक्टर है जिनकी जाँच की जिम्मेवारी है वो कभी कभार ही यहाँ पर आते हैं, जिससे जो है मिलावटी पदार्थ को कारोबार करने वाले लोगों का जो है मनोबल बढ़ते जा रहा है। हमारे साथ समाजसेवी आशुतोष कुमार सिंह जी हैं, हम उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं कि रोहतास जिला में जो फूड प्वाइजनिंग के जो लोग हैं अब तक कितने लोग शिकार हुए हैं और अब तक प्रशासन जो है उस पर क्या क्या कार्रवाई की है। आपका इंडिया बात में स्वागत है। तो जी आपको भी नमस्ते प्रणाम। ये बताइए कि अभी जो त्यौहार है त्यौहार में जो है अक्सर लोग जो होते हैं मतलब कि मिलावटी सामग्री जो है शुरू हो जाती है, इसके लिए क्या लगता है कितना जिला प्रशासन कारगर है? देखिए यहाँ जो पदाधिकारी हैं फूड पदाधिकारी जो हैं वो सिर्फ पैसा तसलने के लिए जाने जाते हैं और कभी भी जांच पड़ताल नहीं किया जाता है। कई गांवों में कई जगह इसके बीमारी के चलते बहुत सारे बीमार हुए, खनेटी हुआ, भिकारी टी हुआ, रोहतास जिला में पड़ता है सब सारे गाँव में, और बहुत सारे जगह जो मिलावटी जो मिठाइयाँ हैं अभी दीपावली है छठ है दशहरा बीता अभी उसमें ज्यादा से ज्यादा घटिया किस्म का खाने का पदार्थ लोग बेचते हैं और फूड पदाधिकारी मिली भगत से वो पैसा लेते हैं महीना और किसी को लाइसेंस भी सभी दुकानदारों को नहीं दिए हैं और ना कभी जांच करते हैं और आते भी हैं तो सिर्फ पैसा लेने के लिए तसलने के लिए। इसलिए मेरे बिहार सरकार और जिला पदाधिकारी रोहतास धर्मेंद्र कुमार जी से मांग रहेगा कि जितने भी खाने के पदार्थ है फूड है उस पर जाँच होना चाहिए और घटिया किस्म के जो भी मिठाई या सामान बेचे उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आप तो जो है अक्सर देखे जाते हैं कि जो लोगों की समस्या को लेकर आदमियों की समस्या को लेकर जिला प्रशासन से मुलाकात करते हैं, यहाँ के जिला अधिकारी से भी बात करते रहते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि त्योहारों में जो है जो सामान खरीद रहता है वो कितना शुद्ध है? बिल्कुल ही 90% अशुद्ध होता है। लोग ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में खराब किस्म के मिलावटी सामान बेचा करते हैं, जो कि सभी पदाधिकारियों को सचेत रहना चाहिए, जिससे बहुत सारा बीमारियां हो सकती है और महामारी भी फैल सकती है। इसलिए जल्द से जल्द पदाधिकारियों को चेक करना चाहिए खाने के पदार्थ को और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और फूड पदाधिकारी सिर्फ पैसा तसलने के लिए नहीं होते हैं, वो अच्छा खाने का पदार्थ सभी हमारे प्यारे जनता को मिले इसलिए वो हमेशा जांच करना चाहिए और अच्छा पदार्थ सारे दुकानदार बेचे उसके लिए पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। ये है समाजसेवी आशुतोष सिंह, इन्होंने बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि जो फूड विभाग है वो जो है मतलब कि पूरी तरह से जो है मतलब कि यहाँ पर रोहतास जिला में निष्क्रिय है, मैंने वो काज नहीं करता है, लोगों की जाँच नहीं हो पाती है। ऐसे में जो है दीपावली छठ पर्व आदि जो पर्व है पर्वों में जो है जो मतलब कि मिलावटी सामान खरीदने को लोगों की मजबूरी बना हुआ है, लेकिन इसकी जाँच नहीं होने से लोगों की जो है बहुत सारे रोग होने की संभावना है। सासाराम से इंडिया वॉइस के दयानंद रिपोर्टर लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।